अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने फ़्लाइट बुकिंग या ऑनलाइन एयर टिकट कैसे बुक करते हैं और इसकी पेमेंट कैसे करते हैं। मुकम्मल तरीक़ाकार जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले गूगल क्रोम में सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट ओपन करते हैं और उसके मेन पेज पर जाकर फ़्लाइट बुकिंग पर क्लिक करते हैं। वहाँ पर ट्रैवल डेस्टिनेशन एंटर करते हैं, जैसे कि मैंने अबाउट टू हैदराबाद एंटर किया है। ये सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने डेट सिलेक्ट की है जिसको मैंने ट्रैवल करना है और किस क्लास की टिकट बुक करनी है उस क्लास को सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ पे इकोनॉमी क्लास सिलेक्ट की है और सर्च पर क्लिक कर दिया है। अब नेक्स्ट पेज पर टिकट की प्राइस जो है वो शो हो रही है, मुकम्मल फ़्लाइट जो है उसकी डिटेल आ गई है, किस टाइम जानी है और उसकी तमाम डिटेल नीचे है। इस डेट में जितनी भी फ्लाइट्स मतलब डेस्टिनेशन की तरफ जा रही होंगी वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस डेस्टिनेशन जो मैंने सेलेक्ट की है वहाँ पे उस दिन में 2 फ्लाइट्स अबहा से हैदराबाद जा रही हैं। तो यहाँ अबहा से जो फ़्लाइट जा रही है मैंने सेकेंड फ्लाइट पर सेलेक्ट की है और इसके नीचे डिटेल आ गई है। इसमें अब 2 क्लास शो कर रहे हैं इकोनॉमी में भी, जैसे कि गेस्ट बेसिक है और गेस्ट सेमी फ्लेक्स है। अब गेस्ट बेसिक में ये है कि वहाँ पे 7 kg हैंड कैरी है और 23 kg का बैगेज है। अगर आपके पास अगर एक बैगेज है और 7 kg हैंड कैरी है फिर तो आपके लिए ये बेस्ट है। जैसे लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैगेज हैं तो फिर आपको सेमी फ्लेक्स पे क्लिक करना है। गेस्ट सेमी में जैसे कि मैंने यहाँ पे गेस्ट सेमी फ्लेक्स पे सेलेक्ट किया है, उसमें 2 बैगेजेस हैं और एक हैंड कैरी है 7 kg का। उसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसमें अब पैसेंजर की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर एडल्ट पर क्लिक करते हैं और इसमें अगर तो मेल है तो मेल का टाइटल सेलेक्ट करते हैं, अगर फीमेल है तो फीमेल का टाइटल सेलेक्ट करेंगे। अब फर्स्ट नेम लिखना है एज़ पर पासपोर्ट, वो एंटर करें और उसके बाद मिडिल नेम है वो एंटर करें और लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट नेम कर लें, अगर एक ही नाम है तो फर्स्ट नेम ही वो काफ़ी है। अब नीचे जेंडर पर सेलेक्ट करते हैं जिसमें मेल और फीमेल है, अगर मेल है तो मेल करेंगे, फीमेल है तो फीमेल करेंगे सेलेक्ट। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है जो कि पासपोर्ट पर मेंशन होती है। फिर नेशनलिटी सेलेक्ट करें, उसके बाद टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन पे क्लिक करें, वहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट करें और पासपोर्ट नंबर दें जो कि वैलिड पासपोर्ट हो, एक्सपायर्ड ना हो। अब पासपोर्ट की एक्सपायरी लिखनी है वो लिखें, उसके बाद कंट्री जहाँ से इशू हुआ है पासपोर्ट वो सिलेक्ट करना है। अगर तो आप फ्रिक्वेंट फ्लायर हैं तो नीचे मेंशन करें और वहाँ पर अपना फ्रिक्वेंट फ्लायर नंबर भी एंटर करें। अगर तो पैसेंजर को फ़्लाइट में हेल्प या असिस्टेंस की ज़रूरत है तो वो सिलेक्ट करें, जिस तरह कुछ हैंडीकैप होते हैं, माजूर अफराद होते हैं, उनको व्हीलचेयर या वहाँ पर नर्सिंग की ज़रूरत होती है या कुछ है तो वो सिलेक्ट करना है, नहीं तो छोड़ दें। अगर स्पेशल खाना ऑर्डर करना है तो वो मील के ऑप्शंस में जाएं और वहाँ पर आप जो आप रिक्वायर्ड मील है वो सिलेक्ट कर लें, अगर नहीं तो आप उसको स्टैंडर्ड मील पे ही रहने दें। अब अगर और दूसरा भी साथ में पैसेंजर है, जैसा कोई फैमिली है, फैमिली के साथ बच्चे हैं तो वो नेक्स्ट पैसेंजर उसको पर ऐड करें, नीचे ऑप्शन दिए हुए कि ऐड पैसेंजर वहाँ पर क्लिक करें। अब सेम पहले जैसे पैसेंजर की तरह उसकी सारी डिटेल देनी है, वहाँ पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर करें, अगर बच्चा है चाइल्ड है तो वहाँ पे मेंशन कर दें। तो लेकिन उसके लिए भी जितनी भी है पासपोर्ट नंबर है नाम है हर एक चीज़ है जो पहले हमने एंटर किया सेम उसी तरह करना है। अब नीचे जाना है गो टू कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ईमेल एड्रेस देना है, वैलिड ईमेल एड्रेस हो जो कि आपको टिकट की कॉपी आ जाएगी और अगर फ़्लाइट की जो डिटेल होती है वो भी आएगी। अगर और फ़र्ज़ किया अगर फ़्लाइट में कोई प्रॉब्लम हो या मसलन अगर फ़्लाइट डिले है या कुछ है तो आपको ईमेल आ जाएगी उसकी। मोबाइल नंबर देना है और उस पर कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, अगर लैंडलाइन नंबर है तो वो लिखें नहीं तो छोड़ दें।
अब इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। नीचे ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा इसमें तमाम पैसेंजर की लिस्ट है जो कि आपने ऐड की हैं। इसमें से अगर किसी पैसेंजर की इंफॉर्मेशन एडिट करने चाहते हैं तो उस नाम पर क्लिक करें, तो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज जो मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि बुकिंग, बुक सीट है, एडिशनल बैगेजेस है, वाईफाई ऑन बोर्ड है। अगर तो आपने कोई स्पेशल सीट बुक करनी है तो यहाँ पे आप बुक सीट के ऑप्शन पे जाएं और वहाँ पे आप अपनी जो मतलूबा है आपको पसंद की सीट सेलेक्ट कर लें। अगर आपने एडिशनल बैगेज ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वाईफाई फ्लाइट में चाहिए तो वहाँ पे क्लिक करें। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी की जो सीट है बुक करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होंगे। इसी तरह अगर बैगेज आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे, और अगर आप वाईफाई लेना चाहते हैं तो उसको उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। अब नीचे जा चलते हैं, नीचे ऑप्शन दिया गया चेक आउट एंड पे, तो चेक आउट एंड पे पर क्लिक करें और पेमेंट की चेक आउट एंड पे पर क्लिक करें और टिकट की पेमेंट करते हैं। पेमेंट ऑप्शन में मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि मदा कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सिदाद है, मुख्त इसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पर क्लिक किया है, इसमें वीज़ा कार्ड पर सिलेक्ट किया है। यहाँ पे यह है कि वीज़ा कार्ड भी है, मास्टर कार्ड भी है, अमेरिकन एक्सप्रेस भी है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड में ये ऑप्शन हैं, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है या अमेरिकन एक्सप्रेस है, तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद कार्ड नंबर लिखना है, कार्ड नंबर पर जो नाम है वो लिखें, कार्ड नंबर की एक्सपायरी डेट और सिक्योरिटी कोड जो कि कार्ड की बैक साइड पर होता है 3 डिजिट्स का, वो लिखना है। उसको एंटर करने के बाद नीचे पे नाउ पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर OTP आएगा, वो यहाँ एंटर करें और इस तरह आपके टिकट्स की पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद यहाँ टिकट्स की डिटेल आ जाएगी और टिकट्स का स्टेटस कन्फर्म आएगा। आप यहां से टिकट का प्रिंट भी ले सकते हैं। आपको इस टिकट की कॉपी ईमेल में भी मिल जाएगी और टिकट नंबर वगैरह मोबाइल पर भी आपको मैसेज आ जाएगा। आप ये इसके आप लेफ्ट लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि आपकी जो टिकट आपने बुक कर रहे हैं उसकी तमाम डिटेल साथ साथ शो हो रही है लेफ़्ट साइड पे। तो अगर उसमें आप फिर भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके ऑप्शन पर जाएँ और चेंज कर सकते हैं। उसमें जिस तरह की है कि ई टिकट नंबर भी है, पासपोर्ट नंबर वगैरह, ट्रैवल डेट है, पैसेंजर का नेम वगैरह, वो सब शो हो रहा है। तो इस तरह आप टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं, बजाय कि आप एजेंट के पास जाएं, वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। तो आपको एक तो सस्ती टिकट भी मिल जाएगी ऑनलाइन, और दूसरा आपको अपनी मर्ज़ी की डेट और फ्लाइट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप ने अगर एजेंट के ज़रिए टिकट करवाई है, या आपके कंपनी ने या किसी और बंदे ने आपकी टिकट बुक करवाई है, तो उसका अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि वो कंफर्म है फ़्लाइट या नहीं है, या उसका क्या स्टेटस है, तो या उसका आप प्रिंट लेना चाहते हैं, उसका कैसे प्रिंट लेना है या उसको कैसे चेक करना है उसकी डिटेल, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊँगा। तो आखिर पे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।